कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे, ये देखिए अभी सो के उठी है और हमको बोलती है मुझे पिज्जा खाने का मन है। हेलो भाई और बहनों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम घर पे ट्राई करने वाले हैं पिज्जा बनाने का। तो चलते हैं किचन की ओर और स्टार्ट करते हैं अपना पिज्जा बनाना। और मैं अपनी बहन का भी हेल्प लेने वाला हूँ, जो देखो वहाँ बैठी है। सो कंटेंट नहीं मिल रहा इसलिए हम बैठी चुपचाप। चलिए दीदी किचन के तरफ चलिए। तो ये कुछ बोलना चाहती है कैमरा में, बताइए क्या। तो मैं ये बोल चाहती हूँ कि ये वीडियो की, ये पिज्जा की जज मैं रहने वाली हूँ। अच्छा। और ये भी हमारे एक जज है जो अभी सो के उठी। आइए मम्मी, आप वीडियो में आइए हमारे। ये देखिए अभी सो के उठी है और हमको बोलती है मुझे पिज्जा खाने का मन है। हाँ। तो हम तीनों मिलकर आज बनाएंगे पिज्जा। और ये बहन गिर चुकी है यहाँ पे, मेरी बेटी गिर गई पिज्जा के नाम पे। तो पहले हम लाए हैं ये पिज्जा बेस। हम दो पैकेट लेके आए हैं जो 30 रुपए का हमको मिला है, जिसमें 4 पिज्जा हम बना सकते हैं। तो देखते हैं कितने बनते हैं और कितने वेस्ट जाते हैं। एक का नहीं, दो पहले से वेस्ट हो चुका है। और लाए हम पिज्जा सॉस, ये वाला पिज्जा सॉस लाए हम। और हम लाए अमूल बटर, बटर निकाल, बटर निकाल भाई, अमूल बटर। हम लोग लेके आए अमूल बटर, कितने रुपए का है पता नहीं, तो सब बताना भाई। 80 रुपए का है बटर भाई। और पिज्जा सॉस, पिज्जा सॉस भी कितने का है? पिज्जा सॉस है 89 का। पिज्जा सॉस टोटल मिला के कितना वो बाद में वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और हम सिंपल, अभी हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हम सिंपल ही बनाएंगे, इसलिए मतलब मार्गरीटा। हाँ मार्गरीटा बनाएंगे, तो इसलिए हम अभी मटेरियल थोड़ा कम ही रखे हैं। नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो कुछ डिफरेंट ट्राई करें। गाइस इसको बोलना नहीं आना ना मार्गरीटा, तो इसलिए मैंने। चलो चलो तब तक स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम लोग करने वाले सब चीज चॉप। हमारे पास शिमला मिर्च है ना, वो तो है ही नहीं क्योंकि हमारे घर पे रहता ही नहीं है कुछ। तो हम लोग टमाटर काटेंगे अभी, ये काटेगी, और प्याज, और मम्मी काटेगी, मैं नहीं काटूंगी। तो पहले हम कुछ काटेंगे नहीं, पहले हम इस बेस पे लगाएंगे पिज्जा सॉस। पहले पिज्जा सॉस लगाते हैं, उसके बाद ये कर रहे हैं लोग। तो प्याज, तो गाइस मैं बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, इसके पास लगा चलेगा इसको ऐसे रख देना। तो गाइस मम्मी ने जो स्टैंड का भी जुगाड़ कर दिया हमारे लिए, पिज्जा स्टैंड है ये हमारा, देसी देसी पिज्जा स्टैंड। तो अभी गाइस कैमरा एंगल चेंज हो चुका है क्योंकि उसमें अच्छे से आ नहीं रहा था और ये मैं वीडियो डिस्टर्ब कर रही है बार बार। कैसे काटो? कैसे काटती हूं? छोटा 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 छोटा। तो पहले हमने निकाल दिया ये पिज्जा बेस, इसमें लगा के हम पिज्जा सॉस। और इधर हमारी मम्मी लंबा लंबा कट कर रही है, मम्मी कट कर रही है पिज्जा के लिए टमाटर। और ये देखिए जज यहाँ पे सिर्फ खड़ी है, मैं बना के अपना। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अब। ऐसे लंबा लंबा, तो पहले हम लगाएंगे पिज्जा पे सॉस। तो चलिए लगा लेते हैं पहले। तो बेस पे पिज्जा सॉस हमने लगा लिया है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो वेजिटेबल्स है, अब जो है वो हम डाल देंगे। मम्मी चॉप कर रही है, तो हम जैसे ही मम्मी करती है हम उसको ऊपर डाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम क्या डालेंगे हम आपको बाद में दिखाएंगे। आइए वीडियो में आइए गाइस। अभी तो ये अच्छा कर रहा है, देखते हैं क्या। फर्स्ट टाइम है और देखते हैं। फर्स्ट टाइम इन किचन बोलिए भाई। फर्स्ट टाइम इन किचन है ये, बस चाय बनाया है आज तक, वो भी एक दो बार। मैगी बनाया है, मैगी तो बहुत ही मस्त बनाता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें निखिल मिश्रा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो निकाल दिया हमने बटर, और ये बटर को करी क्या बोलते दीदी उसको? तो कद्दूकस, ये हमारी मॉम शुद्ध देसी मॉम है हमारी, कद्दूकस करेगी मॉम। तो घिसते हैं ना उसको? हाँ उसको घिसेंगे उसके ऊपर। तो है मॉम घिसने वाला है? नहीं वही है, इसको खोलने में टाइम लग जा रहा है। ये छोटा वाला इसने लिया, बड़ा वाला भी है लेकिन बड़े वाले से नहीं करेंगे, छोटे वाले से करेंगे। खुल गया हमारा बटर, सीधा अब मुझे करना ही आता नहीं है इसलिए ये हेल्प करेगी मेरा थोड़ा। देख जज ही हेल्प कर रही है, जज हेल्प कर रही है थोड़ा, जज को भी तो खाना है ना। बात तो सही है। चलिए देखते हैं जज कैसा करते हैं इनको। इससे हो ना? हाँ निकल रहा है गाइस, निकल रहा है, ये छोटा छोटा ऐसे निकल रहा है ना, ऐसा ही करना है, ऐसा ही कर रही है मतलब।
और चलिए पापा का कॉल आ गया तो मम्मी पहले पापा से बात करेगी फिर आएगी यहाँ पे। और ये बहुत सही हो रहा है ब्रो। तो चलिए जाजी यहाँ काम करते हुए हमारे लिए, क्योंकि मुझे भी खाना है ना। बटर भी इसमें मैंने डाल दिया है, मतलब जज ने डाल दिया है। अब ऊपर से हम थोड़ा डालेंगे वेजिटेबल्स। तो पिज्जा तो हमने डाल दिया, तब ऊपर से हमने बटर भी डाल दिया इसमें। ऊपर से डालेंगे थोड़ा वेजिटेबल और हम सोच रहे हैं ऊपर से पनीर भी डालने का। मतलब देखते हैं क्या करना है, पहले डालते हैं इसके ऊपर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल मम्मी ने चॉप कर दिए थे, अब डालेंगे इसके ऊपर वेजिटेबल्स। नहीं नहीं अरे प्याज ज़्यादा मत डाल। तो पहले हमने कढ़ाई रख दी है, हम पहले इसको गर्म करेंगे गैस में थोड़ी देर, मतलब 5-10 मिनट को गर्म होने देंगे पहले। लाइटर तो ट्राई कर रहे हैं, देखो गैस जलता है कि नहीं हमसे। और पहले बार में हमने जला दिया है गैस गाइस, देख सकते हैं, देख सकते हैं लिखा दिए पहले बार में मैंने जला दिया है। तो इसको थोड़ी देर इसको होने देते हैं गर्म, उसके बाद जो करना है नमक डालिए। नमक डालेंगे थोड़ा सा। तो हमने YouTube की वीडियो में देखा था, पता नहीं कौन सा नमक था, लेकिन हम तो इसी नमक का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कितना डालना है? थोड़ा थोड़ा। ला मैं डाल दूँ? कितना डाल दूँ? डाल। यार पास। तो हम ये नमक ये रेगुलर वाला ही ट्राई कर रहे हैं। तो हमने डाल लिया है नमक। बस बस बस। तो नमक को हम करेंगे अब थोड़ा गर्म, उसके ऊपर फिर हम रख देंगे ये वाला स्टैंड, हमारा देसी स्टैंड। तो उसको थोड़ी देर पहले गर्म होने देते हैं और फिर हम स्टैंड उसको पर रख देते हैं। तो इसको हम ढक देते हैं ताकि फटाफट गर्म हो जाए, उसके ऊपर डालेंगे हम फिर पीसियां। सो गाइस ये मैस को क्या कर रहे हैं? इग्नोर। मम्मी अभी सो के उठी नहीं, थोड़ा गंदा है और साफ काम से होता नहीं है किचन, पहली बार जो किचन में घुसते हैं। तो ये गर्म तो हो चुका है, अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना देसी स्टैंड। यहाँ पर रखना बीच में। तो इसके ऊपर हमने अपना रख दिया है स्टैंड। पिज्जा रखना उसके ऊपर। हाँ प्लेट के साथ। प्लेट के साथ? इस वाला प्लेट के साथ तो नहीं रखना है। क्यों? इसके साथ रख रख। नहीं नहीं रखे। अरे रखना भाई। अरे इसके साथ नहीं रखना है। ठीक है, इसने ही वीडियो में देखा है तो इसको ही पता है। तो चलिए हमने रख दिया है पिज्जा अंदर, दिखा दीजिए पिज्जा। तो चलिए तो पिज्जा हमने रख दिया है अंदर, तो पिज्जा को होने देते हैं बेक और हम करते हैं वेट। हमने पिज्जा को तो अब ढक दिया है, तो इसको हम 15 से 20 मिनट हाँ तो 15 से 20 मिनट हमको हम इसको होने देंगे बेक, उसके बाद खोलते और देखते कैसा बना है हमारा पिज्जा। तो भाई यहाँ कुछ पता नहीं अजीब सी आवाज आई, हमने खोल के देखा तो कुछ ऐसा बना था हमारा पिज्जा। तो शेफ के अकॉर्डिंग सॉरी जज के अकॉर्डिंग हम प्लेट में डाल के रख रहे, तो देखते कैसा बनता है। और प्लेट तो इसमें आएगा ही नहीं भाई। आएगा तो देखते हैं भाई प्लेट डाल के कैसा बनता है ये। तो डाल देते हैं इसके अंदर। तो डाल दिया हमने इसके अंदर प्लेट सक्सेसफुली, बिना हाथ झाला है मतलब फेंक दिया है, और इसको ढक देते हैं और फिर हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट। लो फ्लेम में हमने रख दिया इसको, तो देखते हैं अब कैसा बनता है जज के अकॉर्डिंग। A few moments later. तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारा पिज्जा कैसा बना है। तो थोड़ा पास आइए कैमरा महाराज, देखते हैं हमारा पिज्जा कैसा बना है। तो ऐसा दिख रहा है हमारा पिज्जा, अब इसको निकालते हैं और टेस्ट करवाते हैं जज को कैसा बना है हमारा पिज्जा। पहले बंद कीजिए गैस। गैस पहले बंद कर देते हैं। गैस हो गया बंद, इसको कैसे निकालूं? दूसरा प्लेट ले लूं? चलिए निकालते हैं एक प्लेट जो हमारे घर में गंदे में। प्लेट कहाँ है मम्मी? इसमें ले ना, इसमें ही सही रहेगा। ये धुला हुआ ही रखा था मैंने, बच्चों साफ किया ऊपर से। अब ऐसा मत समझना कि ऐसे प्लेट को हमने। अरे तो ये ऐसा दिख रहा है हमारा पिज्जा, आप देख सकते हैं। इसको पहले प्लेट में और अब इसको करते हैं हम कट। चाकू नहीं, उससे मम्मी करी थी ना। नहीं मम्मी ने चाकू से की। तो हमारे पास वो पिज्जा कटर नहीं है, तो हम इस देसी जुगाड़ लगा के इसको कट कर देते हैं। चलिए ऊपर से बेस का सॉफ्ट तो है क्योंकि आसानी से एकदम कट जा रहा है, अब देखते हैं टेस्ट में कैसा रहता है। बटर ज्यादा हो गया है? बटर शायद ज्यादा, अभी तो टेस्ट के बाद पता चलेगा बटर ज्यादा हो गया क्या ज्यादा हुआ। चलिए कट भी ऑलमोस्ट हो चुका है।
तो हमारा पिज्जा यहाँ पर रेडी है, तो देखिए टेस्ट करते हैं। नहीं मम्मी को टेस्ट करवाते कैसा बनाइए मम्मी टेस्ट। मम्मी खाने से पहले सुपर बोल दिया मम्मी ने, खत्म बताइए कैसा बना है। बहुत मस्त पिज्जा बना है मम्मी के अकॉर्डिंग। अब टेस्ट कराते हैं हमारे जज को कि पिज्जा कैसा बना है। तो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ इसका पिज्जा। अब अच्छा देखते हैं क्या आता है रिएक्शन इनका पिज्जा पे जज का। बोल बहुत ही अच्छा है, बटर थोड़ा सा मेल्ट होने वक्त थोड़ा सा वो लग रहा है तेल तेल वाला, बाकी तो बहुत ही अच्छा है। तो आप 10 में से कितना रेट करना चाहेंगी? मैं 10 में से 9.5। चलिए 9.5 हमारा पिज्जा का वाला रेटिंग। पर इसने सुनो इसने ना मेरे को पीछे से कमीशन दिया है कि तेरे को और 4 खिलाऊंगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया 9.5, वरना तो बहुत ही खराब है। तो जो हमारा 0.5 जो जज ने हमारा मार्क्स काटे थे वो अब हमको पता चला कि हमने हमारे मार्क्स कहाँ काटे हैं। तो हमने चीज की जगह डाल दिया था बटर, जितना हमको डालना चाहिए चीज उतना हमने डाल दिया था बटर, क्योंकि हम चीज की जगह लेके आ गए थे बटर, इसलिए उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाया। लेकिन अगली बार जब भी मैं बनाऊंगा या फिर आप भी जब बनाएंगे तो आप मेरे साथ गलती मत कीजिएगा। और जो हमारे बेसिस बचे थे उसका भी इसने बना दिया है एक और दो, और एक भी अंदर वहाँ पे बेक हो रहा है।